आईपीसी नेमिंग, रूल्स ऑफ आईपीसी नेमिंग. हमने आईपीसी नेमिंग डिस्कस कर लिया था, रूल्स इसके डिस्कस कर लिए थे, एग्जांपल्स अब डिस्कस करेंगे इसकी. इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड में भी आ सकता है, मेंस में भी या नीट में भी क्वेश्चन इसका पूछते हैं. तो ये हमने एग्जाम्पल लिया डेक्स्ट्रो, मैंने लिखा था डेक्स्ट्रो, है ना. डेक्स्ट्रो का मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसलिए डी और एल यूज करते हैं. ये अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता लगेगा, प्लस इसके आगे आइसोलेज में पता जाएगा. अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है, डेक्स्ट्रो लिखा है तो डी यूज करेंगे, डेक्स्ट्रो लिखा है तो डी या प्लस यूज करेंगे नेमिंग से पहले बस. और लीवो लिखा है एल ए ई वी ओ, तो एल और माइनस यूज करेंगे, बस ये ध्यान रखना है इसको, ये लिख देंगे सिर्फ. बाकी नेमिंग सिंपल है. जैसे इसका नाम बोलेंगे पोटेशियम, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसके आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगेगा, तो इसलिए पोटेशियम ट्राई या ट्रेस ऑक्सिलेटो, इसके इसमें ट्रेस ऑक्सिलेटो क्योंकि ऑक्सीजन आया नहीं है, ट्रेस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी. नेक्स्ट नोट करेंगे. और इसी में अगर मैं ये थ्री हटा दूं, ये थ्री माइनस लगा दूं, इधर थ्री माइनस लगा देंगे, ऐसे ही यही चीज़ है, सेम चीज़ होगी बिल्कुल. इसमें मैं इस एक ही नेम में दो तीन तरीके का कवर करूंगा ताकि सब कुछ डिटेल क्लियर होती रहे. यहां थ्री माइनस लगा दिया मैंने, इसका नाम होगा पोटेशियम तो आएगा नहीं, अब क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन आ जाएगा, बस यहाँ पे यहाँ आयन आ जाएगा. और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो भी चेक कर लेते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे कुछ इस तरह के, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये ध्यान देंगे कैसे शो करना है इसको. इसको लिख दिया मैंने COO-, ये आगे बहुत यूज होगा इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है. ऐसे ही यहाँ पे भी ऊपर भी ऐसे ही आएगा कोऑर्डिनेशन निकालने के लिए COO-, मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ O-, और ऐसे लिख दिया, ये भी तरीका शो करने का, या फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं. एक ही में मैंने तीनों यूज कर लिए OX, तो छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या डेंटिसिटी 6 होगी इस केस में, डेंटिसिटी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. तो ये ध्यान रखना है, एक ही क्वेश्चन में सारा डिस्कस कर लेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हों और आगे जाके आइसोमर्स में दिक्कत ना आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी वो. सेकंड लिया अगर मैंने, ध्यान देंगे अगर मैं सेकंड लेता हूँ उसके अंदर एग्जांपल, इसमें सेकंड हम जैसे ये ले लेते हैं K3 एफिशिएंस, या K3 को चेंज करेंगे अब K3 एफी, चलिए FeCl6 ये ले लिए एग्जांपल K3 FeCl6. तो इसमें आ जाएगा पोटेशियम, सेम वही चीज़ पोटेशियम, और ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, पहले चेक कर लेना एनायनिक है कि कैटायनिक. एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये बाद में, हमेशा बड़े स्फीयर अगर बाद में है कैटायन के तो हमेशा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायन हमेशा पहले लिखते हैं. पोटेशियम पूरा लिखेंगे पोटेशियम, फिर गैप देंगे, फिर हेक्साक्लोरिडो और क्या आएगा फेरेट, सब कुछ छोटे से, बस पी स्टार्टिंग का बड़े से होगा फेरेट. और स्टेट निकाल लेंगे 3 + x - 6 = 0, एक्स आ जाएगा हमारा +3, स्टेट निकालना आना चाहिए. ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर लिखना है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा इसका, फेरेट थर्ड. और छः कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने हैं तो इसलिए एक तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ये भी ध्यान रखना है, सही ना, ऑक्टाहेड्रल होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा. 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड CL, 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 ये इस तरह से आ जाएगा. और K3 बाहर कह लो या 3-, और अगर मैं ये K हटा देता हूँ, उसको ध्यान देना, अगर मैं इसको हटा देता हूँ K को, तो यहाँ पे 3- आ जाएगा, तो नाम क्या होगा, पोटेशियम हट जाएगा, हेक्साक्लोरिडो फेरेट, फेरेट क्यों आया क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट थर्ड आयन, क्लियर, फेरेट थर्ड आयन आ जाएगा बस यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे. नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज CO NH3 whole 5 Cl Cl2, सपोज इसकी नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग करनी है तो इसमें पहले ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखते ही पता लग रहा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्योंकि ये Cl2 हटेगा बाहर वाला तो 2+ चार्ज आ जाएगा, इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम करेंगे, इसमें हम करेंगे जैसे इसकी नेमिंग होगी, पहले लिखेंगे पेंटा अमीन, डबल एम आएगा इसमें, स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछे हुए हैं तो इसलिए स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है. पेंटा अमीन क्लोरिडो पहले आएगा क्योंकि ए पहले आता है, ए देखेंगे, नॉट पेंटा वगैरह नहीं देखेंगे, ए इसका सी इसका देखेंगे, पेंटा अमीन क्लोरिडो, फिर आ जाएगा कोबाल्ट. अब कोबाल्टेट नहीं आएगा क्यों, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है. स्टेट निकाल लेंगे इसकी, x + 5 × 0
प्लस सॉरी माइनस वन इसका माइनस टू इसका, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, एक्स आ जाएगा प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे ये ध्यान रखना जरूर, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड जो बाहर है मीन्स वो कौन सा पार्ट है, आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट है वो, आयनाइजेशन स्फीयर है, काउंटर आयंस है, इसलिए उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था MgCl2 है, CaCl2 है, तो कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं, नॉट कैल्शियम डाइक्लोराइड, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो ये एक एग्जांपल कवर हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसका, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, अगर मैं ये 2+ हटा देता हूँ, Cl2 हटा देता हूँ, 2+ आएगा तो कोबाल्ट थर्ड ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, डेंटिसिटी इसकी 6 होगी, NH3 और यहाँ क्या आ जाएगा Cl, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका और 2+ चार्ज, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है। आगे डिटेल करेंगे, अभी से कर लेंगे तो बाद में बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी इसमें, VBT में भी काफ़ी बड़ी हेल्प मिलेगी इसमें, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे AlH4 बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक के अंदर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं इसको ऑर्गेनिक के अंदर, तो ये भी ध्यान देंगे AlH4, तो इसमें ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि लिथियम पहले लिखा है यानी कैटायन पहले लिखा हुआ है, सो दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो नाम क्या आएगा इसका लिथियम आ जाएगा पहले इसमें, क्लियर, लिथियम, फिर आएगा H- है ये, तो टेट्रा गैप देंगे, टेट्रा हाइड्रिडो और ये क्या है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पहले स्टेट निकाल लेते हैं, 1+X-4 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा प्लस थ्री, क्लियर, एक्स क्या आ जाएगा प्लस थ्री, तो टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एल्यूमिनेट थर्ड, तो ये एल्यूमिनेट थर्ड आ जाएगा, ये खत्म हो गया, रोमन नंबर इसमें लिख देंगे, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड, इसको हटा देंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, अगर इसमें हटा देंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस चार्ज, तो एल्यूमिनेट थर्ड आयन है, लिथियम नहीं आएगा, एल्यूमिनेट थर्ड आयन आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर 4 है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर PtEn होल ट्वाइस Cl2 और बाहर लिख दिया SO4, इसकी नेमिंग करनी है, अगर इसकी नेमिंग करनी है तो क्या लिखेंगे, ये क्या है इथेन 1,2 डाइअमीन और ये क्लोरिडो ई है और सी, तो सी पहले आता है तो इसलिए डाई क्लोरिडो, क्या लिखेंगे डाई क्लोरिडो, क्लियर, डाई क्लोरिडो, फिर बेस डाई क्लोरिडो बेस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन सिंगल एम आएगा, इथेन 1,2 डाइअमीन बिस और इसके बाद आ जाएगा डाई क्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डाइअमीन और फिर प्लैटिनम आ जाएगा, प्लैटिनम एक्स मानेंगे इस पर, एक्स प्लस टू इंटू जीरो माइनस 2A और सल्फेट में माइनस 2 तो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा इधर से प्लस 4, तो ये आ जाएगा प्लैटिनम 4, क्लियर, प्लैटिनम 4 आ जाएगा और प्लैटिनम फोर सल्फेट, कोई गैप नहीं आएगा, गैप सिर्फ कैटायन और एनायन के बीच में होता है, कैटायन यहाँ तक खत्म हो गया, कैटायन एनायन के बीच में थोड़ा सा गैप आएगा बस ये, और अगर सल्फेट नहीं लगाएंगे तो 2+ आएगा, तो प्लैटिनम फोर आयन आ जाएगा, तो ये नेमिंग खत्म हो गई। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स हमने ये यहाँ पे खत्म कर लिया है। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसकी, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे न्यूट्रल नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स की NiCO होल फोर, तो इसका नाम क्या जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, ये तो बहुत सिंपल है बिल्कुल, टेट्रा कार्बोनिल गैप नहीं आएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, निकल का भी एन छोटा आएगा, ये निकल ब्रैकेट में जीरो, क्योंकि CO पे चार्ज जीरो होता है, CO पे चार्ज जीरो, तो ये आ जाएगा स्ट्रक्चर, सही ना, और स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होता है, अभी चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है 4, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर।
नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें, जैसे अगर एफ ई या एम एन टू सी ओ होल टेन, अगर ये नाम आता है तो इसको पूरा लिखेंगे, कॉन्डिशन स्फीयर के अंदर है तो लेंगे डेका कार्बोनिल क्लियर, डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज जीरो, डाई मैंगनीज जीरो ब्रैकेट में डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज जीरो, इस टाइप से नेम आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, जैसे अगर सपोज ये दे देते हैं सी ओ एन ओ टू होल थ्राइस एन एस थ्री होल थ्राइस, सी ओ एन ओ टू होल थ्राइस एन एस थ्री होल थ्राइस, ये हमारा न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कम्प्लेक्स है तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सेम ऐसे ही ट्राई अमीन ए पहले आ रहा है, नाइट्रेटो ये बाद में आएगा, तो ट्राई अमीन सही ना, ट्राई अमीन और आ जाएगा ट्राई नाइट्रीटो एन लिख सकते हैं इसको, या ट्राई नाइट्रो भी लिख सकते हैं, बेटर है ट्राई नाइट्रीटो एन लिखें, ट्राई नाइट्रीटो एन, एन से लिंकेज हो रही है ना इसकी, ट्राई नाइट्रीटो एन, एक मिनट ये डैश लगा के लिखते हैं, ट्राई नाइट्रीटो एन, फिर कोबाल्टेट नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा क्योंकि एक्स स्टेट देख लेंगे उसको, एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू जीरो इजल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड, तो ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स थे, कौन से हैं न्यूट्रल कम्प्लेक्स। एक और ले सकते हैं इसके अंदर, सपोज सिस प्लेटिन, इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रक्चर है ये याद भी रख लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत बार आता है, पी टी एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल टू, तो इसका ये अगर सिस फॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में इसका ये होता है सिस प्लेटिन, इसका नाम वैसे याद रख लेंगे सिस प्लेटिन, बहुत बार पूछा हुआ है नीट वगैरह में, मेंस में सिस प्लेटिन, PLATIN सिस प्लेटिन, एंड दिस इज एन एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट होता है ये, क्लियर, एंटी कैंसर एजेंट CANCER सही ना, CANCER एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट होता है, और इसका नेमिंग क्या होगी, ये भी न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, इट इज ए न्यूट्रल कम्प्लेक्स, तो इसमें भी पहले अमीन है क्लोरीडो है, तो डाई अमीन आएगा पहले, डाई अमीन डाई क्लोरीडो और प्लेटिनम सेकंड, डाई अमीन डाई क्लोरीडो प्लेटिनम सेकंड, पहला वर्ड बड़ा कैपिटल आएगा, सही ना, डाई अमीन डाई क्लोरीडो प्लेटिनम सेकंड, और ये नाम जरूर याद रखना इसका, इट इज एन एंटी कैंसर एजेंट, क्लियर, इट इज एन एंटी कैंसर एजेंट। नेक्स्ट नोट करेंगे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिए, सपोज जैसे सी ओ एन एच थ्री होल फाइव सी ओ थ्री बी आर ले लिया, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी सिक्स होगा, पांच ये वाले लिगेंड और ये वाला फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड होता है, एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसकी वजह से, वो डिटेल हमने एडवांस लेक्चर में पढ़ी है फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स की, सी ओ एन एच थ्री होल फाइव सी ओ थ्री, तो इसका नाम ये हमारा कैटायनिक लिगेंड है, तो कोबाल्ट लिखेंगे सिंपली, अमीन आ रहा है और ये कार्बोनेटो, अमीन और कार्बोनेटो, तो ध्यान देंगे इसका नाम आएगा पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, और स्टेट निकाल लेंगे इसकी, एक्स प्लस फाइव इंटू जीरो माइनस टू माइनस वन इज टू जीरो, तो स्टेट आ जाएगी थ्री, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, अगर ब्रोमाइड हटा देंगे तो कोबाल्ट थर्ड आयन बन जाएगा, ब्रोमाइड हटा देंगे तो आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड आयन, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं प्रशियन ब्लू का एग्जांपल, ध्यान देंगे प्रशियन ब्लू, जैसे लिया मैंने एफ ई फोर, ये आयरन थर्ड के डिटेक्शन में बनता है, एफ ई फोर एफ ई सी एन होल थ्राइस, दिस इज प्रशियन ब्लू, तो इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इस एफ ई का
जो चार्ज होगा वो 3 होगा ये वाला, और इस एफ ई का चार्ज, इस पूरे पे चार्ज जो आएगा वो -4 होगा। तो ये पता होना चाहिए इस चीज़ का, तब हम करेंगे इसको। तो इसको हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, फेरिक भी लिख सकते हैं, इस वाले आयरन के लिए फेरिक भी लिख सकते हैं, या आयरन थर्ड भी लिखते हैं इसको, आयरन थर्ड, फेरिक भी लिखते हैं और आयरन थर्ड भी लिखते हैं इसको, फेरिक भी या आयरन थर्ड भी, हेक्सासाइनो, क्लियर, हेक्सासाइनो, क्योंकि इनका नंबर नहीं लिखते, मैंने बताया था जो कैटायन एनायन होते हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कभी नहीं लिखते, कैटायन एनायन का नंबर नहीं लिखते हैं, रूल्स में बताया था मैंने ये। आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, नहीं समझ आया तो एक बार इसको ऐसे देख सकते हैं क्रॉस करके, ये जब ब्रेक होगा तो क्या आएगा, 4 Fe3+ + 3 Fe3+ + 3 Fe4- ये आएगा। तो इसमें Fe पे चार्ज आ गया 3+, और इस पूरे पे चार्ज कितना आया 4-, यानी x स्टेट क्या आ जाएगी इस आयरन की, x -6 = -4, x आ जाएगा +2। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और दूसरा, इसका नाम जरूर ध्यान रखना, प्रशियन ब्लू नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है प्रशियन ब्लू। और ये कब बनता है, जब किसी भी सॉल्ट के अंदर आयरन 3+ आयंस होंगे उनका डिटेक्शन करने के लिए, उनका डिटेक्शन करना हो, जैसे FeCl3+ के ये रिएक्शन में बनता है इसमें, जैसे FeCl3 सॉल्ट है, इसमें मैंने डाल दिया K4FeCN6 पता लगाने के लिए K4, तो ये बनता है, कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो कोर्स में नहीं है ये वाली चीज़, बस नेमिंग कर लेंगे, नेमिंग NCERT में क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के। आयरन 3+ की सॉल्ट का पता लगाने के लिए K4FeCN6 डालते हैं, तो उससे बनता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे एक और, ऐसे ही एग्जांपल है एक और, टर्नबुल्स ब्लू, वो होता है Fe3FeCN6 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आयरन पे आ जाएगा चार्ज हमारा, क्रॉस करेंगे इसको, ध्यान देंगे क्रॉस करके देख पता लग जाएगा, इस Fe पे चार्ज +2 और इस पूरे पे चार्ज -3, इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज -3। तो Fe पे 2+ आया तो इसको सेकंड लिख देंगे, इसको सेकंड, और इस पे अभी निकाल लेंगे तो थर्ड आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे आयरन सेकंड, पहले नाम क्या होगा इसका, आयरन सेकंड हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, वही सेम है बिल्कुल, आयरन सेकंड हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, और इसका नाम आयरन सेकंड हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, सेम चीज़ लिखनी है पीछे वाली, बस स्टेट्स इंटरचेंज होएंगी। इसको हम फेरो फेरी कंपाउंड भी कहते हैं, पहला फेरो है, फेरस है ना, और दूसरा फेरिक है, तो फेरो फेरी कंपाउंड भी कहते हैं, और इसको टर्नबुल्स ब्लू कहते हैं, टर्नबुल्स ब्लू, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नबुल्स ब्लू, इसको हम टर्नबुल्स ब्लू भी कहते हैं, ये ध्यान रखना टर्नबुल्स ब्लू, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे इसकी, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, और थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेते हैं अभी, K2ZnOH4, तो ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, K2 पहले आ गया तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उसको पहले लिख देंगे पोटेशियम, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड, सेकंड कैसे आया वो देख लेंगे एक बार, 2+x - 4 = 0, 2+x - 4 = 0, तो x आ जाएगा +2, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड, तो ये नाम आ जाएगा इसका पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। नेक्स्ट और एग्जांपल लेंगे इसके, जैसे एग्जांपल लिया हमने, सपोज VOACAC होल ट्वाइस, ACAC पहले लिखना चाहिए क्योंकि लिखते भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान रखना चीज का, लीगेंड्स को जो हम लिखते हैं वो भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सो है ये, ACAC एसिटाइल एसीटोनेटो है, तो बेस एसिटाइल एसीटोनेटो, बेस एसिटाइल एसीटोनेटो ब्रैकेट में ऑक्सो वेनेडियम 4, कैसे आया, वी पे चार्ज मान लिया हमने x -2 और ACAC पे चार्ज -1 होता तो ये भी -2, दिस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो जुल टू 0, तो x आ जाएगा 4, बेस एसिटाइल एसीटोनेटो ऑक्सो वेनेडियम 4, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे,
तो इस तरह से नेमिंग करनी है हमें, नेमिंग आनी चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट नेमिंग है बोर्ड लेवल के लिए, वैसे इतना सफिशियंट बोर्ड लेवल पे ज़्यादा पूछते नहीं है। एक एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हालांकि वो भी इस लेवल पे स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे, फिर भी देख लेते हैं एक बार, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये लिया इसमें, चलो एक ये लिखते हैं, जैसे Na2CO SCN whole 4, तो SCN होता है हमारा, लिगेंड्स नाम सारे आने चाहिए, सोडियम सोडियम आ जाएगा, सोडियम टेट्रा टेट्रा थायो साइनेटो, S से लिंकेज होगा तो S, टेट्रा थायो साइनेटो भी इसका नाम था और टेट्रा थायो साइनेटो S भी था, कोबाल्ट कोबाल्ट आ जाएगा और सेकंड कैसे आएगा, 2 + x - 4 = 0, तो x आ जाएगा +2, तो सोडियम टेट्रा थायोसाइनेटो एस कोबाल्ट सेकंड, एस कोबाल्ट सेकंड, इस तरह से नेमिंग आ जाएगी इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेस्लर्स रेजेंट K2HgI4, नेस्लर्स रेजेंट, नेस्लर रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें इसकी अल्कलाइन सॉल्यूशन, अगर प्लस इसमें KOH डाल देंगे, प्लस इसमें KOH डाल दें तो ये बन जाएगा नेस्लर रेजेंट, क्या बन जाएगा, नेस्लर्स रेजेंट। तो इसकी इसका क्या नाम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, पोटेशियम पोटेशियम टेट्रा गैप देंगे, टेट्रा आयोडो भी लिखते हैं, आयोडीडो भी लिखते हैं, आयोडीडो मर्कुरेट एम छोटा मर्कुरेट मर्कुरेट और सेकंड आ जाएगा, मर्कुरेट सेकंड। तो एग्जांपल इसमें ये नेस्लर रेजेंट बोलते हैं इसको, नेस्लर्स रेजेंट, एमोनिया और एमोनिया माइंस को डिटेक्ट करता है ये, 2 + x, इसकी भी बहुत डिटेल है पी ब्लॉक में मैंने दी हुई एडवांस लेक्चर्स के अंदर, 2 + x - 4 = 0, तो x आ जाएगा +2, x क्या आ जाएगा +2, तो इसलिए +2 लिखा हमने। नेस्लर रेजेंट है, यूज टू डिटेक्ट अमोनिया और एमोनिया माइंस, यूज टू डिटेक्ट अमोनिया और एमोनिया माइंस, उनको डिटेक्ट करने के काम आता है। अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, जैसे लिया Na2FeCN5NO, इसकी नेमिंग करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नीट के पेपर में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन, और इसका एग्जांपल ये जो है इसमें डाउट कहाँ पे आएगा, एनओ पे, एनओ की +1 है कि एनओ 0 है, दो ही होते हैं एनओ के, माइनस तो बहुत रेयरली यूज ही नहीं होता, बहुत ही कम यूज होता है। एनओ लिगेंड जो है इनको हम क्या कहते हैं, एक टॉपिक भी होता है इनोसेंट एंड नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, उसमें काउंट करते हैं इनोसेंट एंड नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। तो ये हमारा जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एनओ प्लस है, जैसे एग्जांपल्स हैं इनकी, एनओ प्लस होगा कि एनओ माइनस होगा, हालांकि माइनस तो लेना नहीं है, एनओ माइनस होगा इस तरीके से, इसको तो हम क्रॉस ही रखते हैं, एनओ प्लस यानी नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोसिलियम आयन, एनओ यानी नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोसिलियम आयन इसका नाम, और इसका नाइट्रोसिल नाम होता है। तो ऐसे लिगेंड जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, विच कांट बी प्रिडिक्टेड, तो इसलिए, और इनके ऊपर चार्ज एक से ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर चार्ज एक से ज़्यादा आता है इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, ये नॉन इनोसेंट है। अब जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, अमोनिया है, इन पर तो चार्ज फिक्स है सबके, तो वो इनोसेंट लिगेंड्स होते हैं, ये क्या है, नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, दीज आर नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, ये नॉन इनोसेंट लिगेंड्स होते हैं। जैसे मैं O2 की भी बात करूं, अगर O2 पे चार्ज 0 होगा, O2 पे चार्ज -1 होगा, O2 पे चार्ज -2 होगा, परोक्साइड है, सुपर ऑक्सो है, इवन ऑक्सीजीनियम भी होता है जो कि बहुत ही रेयरली यूज होगा, इसको ना के बराबर यूज़ करते हैं प्लस वाले को, तो ये भी क्या है, नॉन इनोसेंट, क्योंकि हमें इस पर चार्ज नहीं पता है कि चार्ज इस पर क्या होगा, दीज आर कॉल्ड एज नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, क्लियर, नॉन इनोसेंट लिगेंड्स होते हैं। तो इनका हम पता लगाते हैं कई बार इनकी बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से, ज्योमेट्री से, कई बार उनसे ही पता लगाते हैं, अदरवाइज पेपर में अगर आता है तो इसको हमें थोड़ा सोच के निकालना पड़ेगा और इसको थोड़ा बहुत याद ही रखना पड़ता है कि किस तरह से निकालना है इस पर। फिर भी मैं एक हिंट देता हूँ उसका, इनोसेंट और नॉन इनोसेंट लिगेंड, मैंने छोटा सा टॉपिक एंट्रेंस का था डिस्कवर यहाँ पे कवर कर लिया है, तो इसको कर लेंगे एक बार से ना, इनोसेंट एंड नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, तो बोर्ड के लिए नहीं है ये टॉपिक है। तो इसमें ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, और अब हमें करनी है नेमिंग इसकी, और इसका दूसरा नाम, हालांकि ये चीज़ें तो नहीं पता होंगी तब भी काम चल जाएगा, इसमें ध्यान देंगे
जैसे अगर मैं, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्लियर, इसका नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि जो नीट में आया था उसमें नाम से इसी से आया था, कॉमन नेम से, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और ये लिगेंड, ये लिगेंड जो है डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, सॉरी सल्फाइड आयन का पता लगाने के काम आता है, ये क्वालिटेटिव में पढ़ा हुआ 11th क्लास में, सल्फाइड आयन का पता लगाने के लिए काम आता है ये। तो उसमें मतलब वायलेट कलरेशन आती है Na4FeCN5NOS की, Na4FeCN5NOS की वायलेट कलरेशन आती है। तो वो तो अभी डिटेल नहीं करनी है, अभी इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये ध्यान रखना है, सल्फाइड आयन का पता लगाने के काम आता है बेसिक मीडियम के अंदर। तो इसका अब इसकी IUPAC नेमिंग देखते हैं। पहले IUPAC नेमिंग निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, नाम तो हम लिख लेंगे इसका, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नाम तो इसका क्या होगा, सोडियम, अब साइनो है, और नाइट्रो, नाइट्रोसिल या नाइट्रोसोनियम होगा, नाइट्रोसिल या ये नाइट्रोसोनियम होगा। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका भी है कि इसको हम निकाल सकते हैं, कि ज़्यादातर वैसे ध्यान रखना जो कोर्स में हमारे NO+ ही आएगा, इसमें NO+ ही आएगा, सही ना, NO+ आएगा, NO- नहीं आता, NO+ ही आता है। और इसको निकालना है अगर, तो हमें जैसे सोडियम लिख दिया मैंने, सोडियम, अब इसको साइनो तो पहले आएगा ही आएगा, पेंटा साइनो, गैप देके सोडियम पेंटा साइनो, क्लियर, सोडियम पेंटा साइनो तो आ ही जाएगा इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर अब ध्यान देंगे, अब मैं पूरे पे चार्ज निकाल सकता हूँ, ये 2 है, ये 5 है, ये कुछ भी इसका नहीं पता मेरे को। तो इस FeNO, अगर मैं Fe और NO की बात करूँ, तो इस पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास, टोटल इस पे चार्ज आएगा 2 - 5 - 3 यानी +3 आ जाएगा चार्ज इस पे, +3 यानी अगर हम इसको ऐसा सोच लें कि X+Y, ये आ गया हमारा +3, ये +3 आ गया, ये +3 आ गया ना। अब इस NO पे क्या हो सकता है, या तो +1 होगा या 0 होगा। अगर मैं NO पे +1 लेता हूँ तो Fe आ जाएगा +2 का, अगर NO पे हम क्या लेते हैं +1, तो X+1 = +3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +1, तो Fe पे +2, NO पे +1। और अगर मैं NO पे 0 लेता हूँ तो Fe क्या आ जाएगा +3, और NO पे क्या आ जाएगा 0 +3 और 0। तो एक बार ना ये कई केसेस में आंसर निकल जाएगा इससे, ये भी एक तरीका है निकालने का कि +2 और इसमें माइनस, दोनों का चार्ज डिफरेंस निकाल लेंगे। चार्ज डिफरेंस पहले केस में 1 आ रहा है, दूसरे केस में चार्ज डिफरेंस 3 आ रहा है, तो जिसमें चार्ज डिफरेंस कम आएगा ना, चार्ज डिफरेंस कम आएगा जिसमें, वो वाला चार्ज लेना। चार्ज डिफरेंस कम किस में, पहले केस में, क्योंकि +1 का डिफरेंस आ रहा है, और दूसरे में कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसलिए NO+1 वाला ले लेना, इसलिए NO क्या लेना +1 वाला। और +1 वाला लेंगे तो स्टेट क्या आ जाएगी, 2 + X - 5 +1 = 0, तो x आ गया यहाँ से +2, x आ जाएगा +2। तो चार्ज डिफरेंस के थ्रू निकाल सकते हैं, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसोनियम लिखेंगे इसको, नाइट्रोसोनियम और फेरेट सेकंड, क्लियर, फेरेट सेकंड आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, फेरेट सेकंड आ जाएगा। और ऐसे ही हम और ट्राई, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। एक एग्जांपल इसका और है जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग Fe H2O5 NO SO4 ब्राउन रिंग। तो इसमें भी खुद ट्राई करना, आंसर मैं लिख देता हूँ उसका, आंसर इसका वही होगा जो जैसे हम पहले लिखते थे, क्या, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन आएगा इसमें क्योंकि कैटायनिक है, आयरन फर्स्ट सल्फेट, दिस इज ब्राउन रिंग, क्लियर, ये है ब्राउन रिंग। तो नेमिंग हमने बहुत सारी यहाँ पे कवर कर ली है, बाकी नेमिंग बहुत ज़्यादा है अभी जो हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेक्चर में, इतना जरूर करके लिखना, इतना इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको करके रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर डिस्कवर।